लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एनीमा, कैसे हम एनीमा इंसर्ट करते हैं. आज हमारा टॉपिक है बॉवेल वॉश. तो क्या होता है बॉवेल वॉश और कोलोन इरिगेशन, है ना? इसी को ही हम कोलोन इरिगेशन भी बोलते हैं. वॉश और कोलोन इरिगेशन. क्या होता है बॉवेल वॉश एंड कोलोन इरिगेशन? इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ वॉशिंग आउट द कोलोन इज द ट्रीटमेंट ऑफ वॉशिंग आउट द कोलोन, है ना? कोलोन को क्या करते हैं? वॉश आउट करते हैं विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना? लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन के हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं. अब इसका पर्पस देखते हैं, क्यों हम बॉवेल वॉश या ब्लैडर वॉश करते हैं. ब्लैडर वॉश तो खैर नहीं, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है. बॉवेल वॉश क्यों करते हैं, पर्पस? है ना, क्या पर्पस होता है? फर्स्ट है टू एम्प्टी द बॉवेल, है ना? सबसे फर्स्ट पर्पस है टू एम्प्टी ना कोलोन को हम एम्प्टी करने के लिए वॉश करते हैं. ऑब्वियसली बात है, किसी चीज का क्लीनिंग करते हैं, दैट मींस वी हैव टू एक्सपल आउट ऑल द कंटेंट दैट इज प्रेजेंट इन द कोलोन. फिर सेकेंड थिंग, टू डाइल्यूट एंड रिमूव एनी टॉक्सिक एजेंट. ठीक है, टॉक्सिक एजेंट को क्या करने के लिए? डाइल्यूट करने के लिए, है ना? ताकि अगर कोई ज़्यादा टॉक्सिन प्रेजेंट है तो उसको थोड़ा डाइल्यूट करने से क्या होता है, उसका असर थोड़ा कम होता है. तो उसके लिए, एंड सेकेंड थिंग, टू रिमूव द टॉक्सिक एजेंट. फिर तो थर्ड है टू अप्लाई मेडिकेशंस. है ना, मेडिकेशंस अप्लाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बॉवेल वॉश का यूज करते हैं. फिर नेक्स्ट थिंग, टू प्रिपेयर कोलन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस एंड फॉर सर्जिकल पर्पस. टू प्रिपेयर फॉर and है ना, हम क्या करते हैं कोलोन को प्रिपेयर करते हैं किस चीज के लिए? डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए. ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट पर्पस ऑफ बॉवेल वॉश. अब देखो, देयर आर सम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आल्सो, है ना? अब बॉवेल वॉश एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, है ना, एक लिटिल ट्रिकी प्रोसीजर है. उसके लिए कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वाले थिंग्स भी होते हैं जिस टाइम पे हम बॉवेल वॉश नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो देखते हैं. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या आएगा? इफ पेशेंट इज हैविंग रेक्टल सर्जरी, रेक्टल फिस्टुला, है ना, कोई रेक्टल इन्फेक्शन है, कोई पॉलिप्स है, कोई ट्यूमर्स है, रेक्टल सर्जरी, रेक्टल ट्यूमर, है ना, रेक्टल ट्यूमर हो गया,
और क्या हो गया, कोई रेक्टल इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, पॉलिप्स हो गया, है ना, या और क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है ना, सीवियर पेन, सीवियर पेन हो गया, है ना, और क्या बोलना चाहिए, रेक्टल नैरो है, रेक्टल नैरोइंग, रेक्टल नैरोइंग है, तो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर व्हाट, बॉवेल इरिगेशन या बॉवेल वॉश। अगर ऐसा सब सिचुएशन है पेशेंट के लिए, तो ऐसे टाइम पे हम पेशेंट को कभी भी बॉवेल वॉश नहीं देते, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग है दैट इज आर्टिकल रिक्वायर्ड, कौन कौन से आर्टिकल्स हमको लगते हैं व्हेन वी आर डूइंग बॉवेल वॉश। आर्टिकल्स, अब देखो मेन आर्टिकल्स क्या क्या है, सबसे फर्स्ट है अगर हम कोई भी इरिगेशन करें, दैट मीन्स वी नीड अ इरिगेशन किट, इरिगेशन किट। अब इरिगेशन किट में क्या क्या रहता है, इरिगेशन बैग रहता है, क्लैंप रहता है एंड ट्यूबिंग रहता है, ठीक है, इरिगेशन बैग, क्लैंप एंड ट्यूबिंग, दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन इरीगेशन किट। फिर नेक्स्ट थिंग जो हमारा वाटर सॉल्यूबल ल्यूब्रिकेंट है वो लेंगे, वाटर सॉल्यूबल ल्यूब्रिकेंट, है ना। फिर नेक्स्ट थिंग हम देखो, अब ये किट को हम कहाँ डालेंगे, आईवी पोल, दैट टाइम वी नीड आईवी स्टैंड, है ना, एक आईवी स्टैंड होना चाहिए। और क्या है, सोप एंड वाटर लिखते हैं, चलो सोप एंड वाटर, है ना, अब सोप एंड वाटर को क्लीन करने के लिए बाथ टॉवेल या टॉवेल लगेगा, है ना। उसके बाद जो भी हमारा प्रिस्क्राइब्ड इरिगेशन सॉल्यूशन है, प्रिस्क्राइब्ड इरिगेशन सॉल्यूशन, है ना, जो भी सॉल्यूशन हमको प्रिस्क्राइब हुआ है वो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग है जो ग्लास कनेक्शन है ना, मे बी अगर ग्लास कनेक्शन नहीं भी है तो हम विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट ट्यूब हम चीज़ों को यूज करते हैं। फिर डिस्पोजेबल ग्लव्स एंड रबर शीट, ठीक है, रबर शीट, दीज आर द आर्टिकल्स वी आर यूजिंग इन बॉवेल वॉश, ठीक है। सबसे पहले इरिगेशन किट, वाटर सॉल्यूबल ल्यूब्रिकेंट लेंगे, आईवी पोल लेंगे, सोप एंड वाटर लेंगे, वॉशिंग क्लॉथ लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, प्रिस्क्राइब्ड इरिगेशन सॉल्यूशन लेंगे, डिस्पोजेबल ग्लव्स, एप्रन एंड द लास्ट इज रबर एंड टॉवेल, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, है ना, ठीक है। प्रोसीजर सबसे पहले, कोई भी प्रोसीजर में वी हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट, एक्सप्लेन ऑल पेशेंट को सारा प्रोसीजर क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। फिर ब्रिंग ऑल द आर्टिकल नियर द बेड साइड,
बेड साइड सारे आर्टिकल्स को प्लेस करना होता है ना. फिर नेक्स्ट थिंग वी हैव टू प्रोवाइड प्राइवेसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना. प्राइवेसी प्रोवाइड करना है, प्राइवेसी है ना. फिर आफ्टर दैट वी हैव टू वॉश आवर हैंड एंड वियर ग्लव्स. वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स है ना. फिर नेक्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, अप्लाई व्हाट, या अप्लाई नहीं करना है, हमको क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन देना है ना. वी हैव टू प्लेस द पेशेंट इन अ पोजीशन, दैट मींस पोजीशनिंग. पेशेंट को प्रॉपर पोजीशनिंग करना है ना. पोजीशनिंग के बाद क्या करना है, ऑपोजिशन कौन सा होना चाहिए, लेफ्ट साइड पोजीशन विथ नी बेंड है ना. क्यों, क्योंकि हम क्या करें, बॉवल वॉश करें, तो नी क्या होना चाहिए, बेंड होना चाहिए है ना, ताकि प्रॉपर तरीके से जो भी सोल्यूशन है वो अंदर जाए और उसी तरीके से फ्लो आउट हो. ठीक है, अब हमारा पोजीशन हो गया. ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग हमको क्या करना है, जो इरिगेशन किट का जो बैग है ना, बैग था, उसको क्या करना है, हमारे सोल्यूशन से फील करना है ना. फील करने के बाद हमको उसको आईवी पोल में हैंग करना है. हैंग करने के बाद जो भी पाइप रहेगा है ना, अब वो पाइप को एटलीस्ट 7 to 10 centimeter क्या करना है, हमको पेशेंट के रेक्टल में इंसर्ट करना है ना. जो भी कैथेटर रहेगा या जो भी ट्यूब रहेगा, उसको हमको क्या करना है, रेक्टल के अंदर इंसर्ट करना है. इंसर्ट करने के बाद जितना भी इरिगेशन है, दैट विल टेक 15 to 20 minutes है ना. स्लोली उसको कनेक्ट करके इरिगेट करना है ना. तब तक इरिगेट करना है जब तक सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से क्लीन ना आ जाए है ना. अगर कोई मेडिकेटेड सोल्यूशन है, दैट मीन्स वी हैव टू डू ट्वाइस, मेडिकेटेड एंड द नॉर्मल सलाइन. अब प्रिस्क्राइब्ड जो भी सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कंडीशन या डॉक्टर्स ऑर्डर है ना, जो भी वो प्रिस्क्राइब करेंगे, वो सोल्यूशन को जितने बार करना है, वो चीज़ें हम करने के बाद क्या करेंगे, उसको रिमूव आउट करेंगे है ना. ठीक है, फिर एट लास्ट हम क्या करेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि आपका प्रोसीजर हो गया. यू मे बी फील कंफर्ट आफ्टर 5-10 minutes. पेशेंट को प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है. उसके बाद क्या करना है, सारी चीज़ों को क्लीन करके जो भी आर्टिकल्स डिस्कार्डेड है उसको डिस्कार्डेड में डालना है. फिर नेक्स्ट थिंग हमको क्या करना है, अप्लाई क्या, ऑइंटमेंट. अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो ऑइंटमेंट, नहीं तो फिर नॉर्मली उसको क्लीन करके, उस एरिया को, रेक्टल को क्लीन करके, उसको वापस से क्लोथ पहना देना है और प्रॉपर पोजीशन या कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को देना है. अगर इस बीच में कोई एबनॉर्मल थिंग्स लाइक ब्लीडिंग या कुछ पस फॉर्मेशन या कुछ एबनॉर्मैलिटीज दिखी, दैट मीन्स वी हैव टू नोटिफाई द डॉक्टर्स है ना. डॉक्टर्स को नोटिफाई करना है और उनको बताना है ना, और मेंशन करना है. डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरी प्रोसीजर, तो नेवर मिस द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. ठीक है, फिर आप देखते हैं आफ्टर केयर. आफ्टर केयर, आफ्टर केयर के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हमको ये करना पड़ता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स है उसको रिमूव करो प्रॉपर तरीके से, और क्या करना रहता है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन, और अगर उसको कुछ लग रहा है, कुछ प्रॉब्लमेटिक या पेन या कुछ भी एबनॉर्मैलिटीज दिख रही है, यू हैव टू रिकॉर्ड इन योर पेशेंट्स रिकॉर्ड बुक है ना, या नर्सिस नोट्स में, या कहीं पे भी जहाँ पे मेंशन करने का प्रोटोकॉल है वहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है और क्या करना है, नोटिफाई करना है. ठीक है, अब देखो उसके बाद हमको जितना अमाउंट ऑफ इरिगेशन हमने क्या किया, इंसर्ट किया और ड्रेन आउट हुआ, तो उसको भी क्या करना रहता है, रिकॉर्ड करना रहता है. तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, बॉवेल वॉश.